इकबाल कमाल है और हजूर के आगे सिर हिलाने की किसकी मजाल है। शाबाश बहादुर शाबाश, जाओ राजनीतिक को दरबार में पेश करो। जैसी आ गया महाराज। रामचंद्र के हाथों मारे गए। खरो दुष्यंत मारे गए। खरो दुष्यंत एक तरफ और रामचंद्र अकेला एक तरफ। झूठ, बकवास, बिल्कुल झूठ। मेरे प्यारे भैया, मेरी नाक कट गई। अरे बात क्या है, कुछ तो बोल। क्या बोलूं खाक, ना सर पर बाल है ना मुंह पर नाक। अरे ये तेरी दुर्दशा किसने बनाई, कौन है वो मौत का सुनाई। वही बुंदी कटे बदकार अयोध्या के राजकुमार, जिनको बाप ने घर से निकाल दिया और जंगल में मारे मारे फिर रहे हैं और लोगों की बहु बेटियों को ताक रहे हैं। मगर उन्होंने तेरी नाक क्यों उड़ाई भाई। यूं ही मैं घूमती फिरती पंचवटी की तरफ गई। राम और लक्ष्मण के मन में बहिमा नहीं समाई।
मुझको उन्होंने मेरी नाक उड़ाई। रामचंद्र की स्त्री जिसकी खूबसूरती सुंदर के आगे चांद सूरज भी मात है, वह आफत का बरफाना है। मैंने सोचा किसी तरह उसको उठाकर भाई रावण की रानी बनाऊंगी। मैंने यूं ही उनकी तरफ बढ़ा तो राम के कहने पर लक्ष्मण ने मेरी नाक उड़ा दी। मेरी हिमाकत में भाई खारा और दूषण दोनों मारे गए। आह सीता, मेरी जान और ईमान की मालिक सीता, निसंदेह तू सीता है मगर मेरी जान का प्रतीसा है। दिल में एक दर्द उठा, आंखों में आंसू भर आए, ना जाने मुझको बैठे बिठाए क्या याद आए। आह सीता, ओ सीता, कितना प्यारा नाम है सीता। ओ जालिम सीता, यद्यपि मैंने तुझको स्वयंवर में नहीं जीता, अब तो अवश्य जीती जाएगी। और निस्संदेह रावण की पटरानी कहलाएगी। तेरी सुंदरता की छवि इस महलों में जगमगाएगी। आह मेरे बेकरार दिल, सबर कर सबर कर, इतना ना उछल इस कदर ना मचल, पर इसमें भी तेरा क्या कसूर, इतने प्यारे नाम में ही जादू है सीता। जिसको आज भी नाम सुनकर दिल बुरी तरह धड़कता है। सुरूपलता तुम जाओ महलों में विश्राम करो। भैया मुझे आराम तभी मिलेगा जब दोनों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। चलो चलो जरा शोर ना मचाओ, जाओ मेरे शोर बीरो तुम भी आराम करो, दवा बर्खास्त किया जाता है। दिल को बुरी तरह मरोड़ा, तेरे हुस्न के शोले यहां भी आके मुझको जगाते रहे। और तेरे नाम के चर्चे मुझे हमेशा खाक में मिलाते रहे। मगर याद रख अब तो अयोध्या को लौटकर कदाचित नहीं जाएगी। और निस्संदेह तू रावण की पटरानी कहलाएगी। ताकत से, छल से, कपट से, बल से, धोखे से, फरेब से, धोखे से, चलाकी से, मकारी से, बेईमानी से, जिस तरह हो सक होगा तुझको मैं उड़ाऊंगा और अपने महलों की पटरानी बनाऊंगा। मगर कोई ऐसा उपाय समझो जिसमें बगैर लड़ाई भड़ाई अपना काम निकालो। हाँ याद आया, हाँ यही करना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र से मुकाबला करना लोहे के चने चबाने जैसा है। मैंने अपना काम निकालना है, ना के झगड़ा फैलाना है। मगर अकेले से ये काम नहीं होगा, अगर एक साथी मिल जाए तो बेड़ा पार है। एक एक दो ग्यारह मेरे दो बारह, हाँ खूब याद आया मारी।
तजर्बेकार है और आला दर्जे का मक्कार है। मैं अभी जाता हूं, उसको अपना हमराज बनाता हूं।